प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और 11th क्लास की फिजिक्स में बच्चों जो हमारा खंड 6 पार्ट चल रहा है, उसमें जो पहली यूनिट है आपकी, उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 3 होगा आपका, थर्ड होगा द्रव्य के तापीय गुण। ठीक है, तो बच्चों आज हम इसको लेक्चर नंबर 3 कम्प्लीट करने वाले होंगे आज इसका। तो देखिए बच्चों, आज हम किसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें बच्चों आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण, कि ऊष्मा का स्थानांतरण कितने प्रकार से होगा, यानी कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में किस प्रकार जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे जो ताप का अंतर होता है, ऊष्मा का प्रवाह जो होगा वो तापांतर के कारण होगा, है ना। ताप के अंतर के कारण किसी निकाय के एक भाग से, किसी निकाय के एक भाग से दूसरे भाग अथवा एक निकाय से दूसरे निकाय में ऊष्मा का जो प्रवाह होता है बच्चों, वो ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, और ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा बच्चों, उसके लिए 3 विधियां हैं। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास में बच्चों यहाँ पर जाती है चालन विधि, नंबर 2 जाती है संवहन, और नंबर 3 जाती है बच्चों विकिरण विधि। ठीक है, जो चालन विधि है ये कैसी विधि होती है, ये चालन विधि बच्चों वह विधि होती है जिसमें ऊष्मा आपकी एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती है, जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान से विस्थापित नहीं होते हैं, वो विधि कहलाती है आपकी चालन विधि। संवहन विधि होती है जो ऊष्मा आपको, यानी कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसके जो पार्टिकल होते हैं, जो उसके कण होते हैं, उनके गति के कारण जाते हैं, यानी कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बच्चों चल के जाती है ना, बात समझ आ रही है। और तीसरे विकिरण, इसमें बच्चों किसी माध्यम की हमको आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे रेडिएशन जो होता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो विकिरण के माध्यम से आता है। ठीक है, नॉर्मली हमारे जो जितने ठोस होते हैं बच्चों, वो सब चालन विधि से ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, और जो हमारे द्रव्य या गैस होते हैं बच्चों, संवहन के माध्यम से लेके जाते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों आपके। सामान्यतः जितने भी ठोस होते हैं उन सब में बच्चों हमारी चालन की प्रक्रिया लगती है, और द्रव्य तथा गैस में बच्चों संवहन लगती है, और विकिरण हमारी जिसमें किसी माध्यम की बच्चों आपको आवश्यकता ना हो। ठीक है, देखिए इस तरीके से, यानी कि चालन क्या होगा, जैसे आप बच्चों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे एक आग लगा रखी है ना, और यहाँ पे हमने एक लोहे की रोड को ले रखा है। तो आपने कई बार देखा होगा बच्चों कि अगर आप लोहे की रोड को अपने हाथ में लेके बैठते हैं, और उसको एक सिरा, उसका दूसरा सिरा जो है वो आग में लगा देते हैं, तो कुछ समय बाद आपको यहाँ पर एक गर्म महसूस होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ऊष्मा यहाँ से चल के जाती है। ठीक है, ऊष्मा यहाँ से चल के जाती है, लेकिन माध्यम के कण अपने स्थान से हिलते नहीं है, तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है बच्चों चालन विधि। ठीक है, चालन ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें पदार्थ का प्रत्येक अणु अपनी ऊष्मा को समीपवर्ती अणुओं को दे देता है। इस प्रकार ऊष्मा पदार्थ के एक सिरे से बच्चों दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरण हो जाती है। इसमें पदार्थ कणों का कोई स्थानांतरण नहीं होता, सभी धातु एवं ठोस पदार्थ इसी विधि से बच्चों गर्म होते हैं। ठीक है, पारा भी जो द्रव एवं धातु है इसी विधि से गर्म होता है। ठीक है, विकिरण विधि में बच्चों किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, रेडिएशन से ही आपको यहाँ पे आपको हीट मिल जाती है। ठीक है, और संवहन जिसमें माध्यम के जो पार्टिकल होते हैं बच्चों, वो आपके ऊपर की तरफ गति करते हैं। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे एक बीकर को लगा देते हैं बच्चों, अगर आप मान लेते हैं कि एक बीकर आप यहाँ पे लगा देते हैं, कि स्टैंड लगा देते हैं वाला, ठीक है, एक स्टैंड मान लो अगर आपने यहाँ पे लगा दिया, और उस स्टैंड पे अगर आप कोई एक बीकर ले लेते हैं यहाँ पे, अगर बच्चों हम यहाँ पे मान लें कि एक बीकर आप ले लें यहाँ पे इस तरीके से, और इस बीकर में अगर आप कोई लिक्विड को भर दें, तो देखिए बच्चों क्या होगा, अगर आप इस लिक्विड को यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है, तो जब लिक्विड आप भर देंगे बच्चों, तो यहाँ से जो पार्टिकल्स होंगे ना, जो पानी गर्म होगा, तो पानी नॉर्मली पहले आपका बच्चों यहाँ से गर्म होगा, और ये गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर जो ठंडा पानी होता है बच्चों भारी होता है, जो कि उसका घनत्व ज्यादा होता है, गर्म पानी घनत्व बच्चों कम होता है, जिस वजह से ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर ऊपर जाएगा, जो ठंडा वाला होगा बच्चों आपका वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो उस तरीके से ऊष्मा जो आपकी चल कर जाती है, यानी कि ऊष्मा नीचे से गर्म होगा फ्री ऊपर की तरफ जल के जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपके संवहन विधि होती है, विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और चालन में
माध्यम कण आपके अपने स्थान से हिलते नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों विधियों से हम बच्चों किसी भी वस्तु को गर्म कर सकते हैं या उसको हम ऊष्मा दे सकते हैं, किस स्थान से दूसरे स्थान में बच्चों ऊष्मा को लेके जा सकते हैं, ठीक है। आपका बच्चों अगला हेडिंग रहेगा यहाँ पे स्थायी अवस्था, स्थायी अवस्था। आप किसी भी छड़ को जब बच्चों ऊष्मा देना स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक छड़ है आपके पास में, है ना, और आपने इसको ऊष्मा देनी स्टार्ट करी बच्चों यहाँ से, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने इसको यहाँ से ऊष्मा देनी स्टार्ट करी, ठीक है, यहाँ से आप इसको ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक। तो जब बच्चों ऊष्मा देते हैं हम यहाँ से, तो उसके प्रत्येक पार्टिकल से जो ऊष्मा होती है वो आगे की तरफ जाती है, और कुछ ऊष्मा बच्चों आपके ऊपर के सिरों से होकर निकल जाती है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक तरीके से मेरे पास में यहाँ पर 7 एरो हैं। तो आपने देखा होगा कि जो इसके ये वाली जो सतह है बच्चों आपकी, ये वाली, ये जो आपकी सतह है बच्चों, ये वाली यहाँ पे, ये जो उसका पृष्ठ बनेगा यहाँ पे, अगर हम इसकी कल्पना कर लेते हैं, ये जो आपके पास में बच्चों यहाँ पे पृष्ठ बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला पृष्ठ बन गया बच्चों। अब इस पृष्ठ में होगा क्या कि कुछ ऊष्मा तो ये अपने आगे वाले हिस्से को दे देगा, कुछ ऊष्मा बच्चों विकिरण के माध्यम से बाहर निकाल देगा। तो ये जो ऊष्मा आपको आगे वाले भाग को मिली, ये ऊष्मा बच्चों आपकी आगे वाला भाग अपने अगले वाले भाग को दे देगा। तो उस प्रकार जब ऊष्मा यहाँ से दी जाती है, तो धीरे धीरे करके यहाँ से ऊष्मा आखिरी वाले सिरे तक पहुंच जाती है, और एक ऐसी अवस्था बच्चों आ जाती है कि इसको हम कितनी और ऊष्मा दे लें तो प्रत्येक पृष्ठ इसका ऊष्मा को लेना बंद कर देगा, और अगर आप उसको और ज्यादा ऊष्मा देंगे तो विकिरण के माध्यम से बच्चों वो उसको उत्सर्जित कर देगा, लेकिन अपना ताप नहीं बढ़ाएगा, है ना, उसका जो टेम्परेचर था बच्चों फिक्स हो जाएगा। तो उस अवस्था में छड़ बच्चों कहलाते हैं आपकी स्थायी अवस्था, जिसमें किसी भी पृष्ठ का, किसी भी सतह के पृष्ठ का अपना कोई तापमान ना बढ़ ना पाए, है ना। तो हम यहाँ पर कहते हैं बच्चों किसी छड़ में ऊष्मा संचरण की वह अवस्था जिसमें छड़ के प्रत्येक परिच्छेद का ताप स्थिर होता है, यानी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और छड़ का कोई भी भाग स्वयं ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता, अचल अवस्था या स्थायी अवस्था बच्चों कहलाती है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों यहाँ पे कि किसी छड़ में ऊष्मा संचरण की वह अवस्था जिसमें छड़ के प्रत्येक परिच्छेद का ताप समय के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे इसको आगे ऊष्मा देंगे बच्चों तो उस हिस्से का ताप कम होगा, इसका मतलब इसका ताप ज्यादा होगा, इसका नहीं होगा। तो जैसे समय बढ़ाएंगे, यानी कि समय के साथ में ऊष्मा के मान में वृद्धि करेंगे, ऊष्मा लगातार देंगे, तो समय के साथ साथ बच्चों ये वाला हिस्सा भी आपका गर्म हो जाएगा, यानी कि इस वाले हिस्से का भी तापमान बच्चों आपका बढ़ जाएगा। छड़ के सिरों को लगातार गर्म करते रहने से कुछ समय पश्चात एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब सभी ताप मापियों में ताप स्थिर हो जाता है, और इस अवस्था में छड़ का कोई भी परिच्छेद स्वयं का ताप बच्चों नहीं बढ़ाता, ठीक है, बढ़ाने के लिए ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता, बल्कि वह अपने से पहले परिच्छेद से जो ऊष्मा प्राप्त करता है उसका एक भाग संवहन व विकिरण द्वारा वायुमंडल को दे देता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अवस्था होती है जिसमें किसी भी छड़ का प्रत्येक भाग या प्रत्येक परिच्छेद अपना स्वयं ऊष्मा को बच्चों अवशोषित नहीं करता है, ठीक है, उसका ताप निश्चित हो जाता है, फिक्स हो जाता है, नियत हो जाता है, तो वो अवस्था बच्चों की आपकी कहलाती है स्थायी अवस्था या अचार अवस्था, ठीक है। चलिए बच्चों अगला हेडिंग आपका ताप प्रवणता। तो ताप प्रवणता क्या है बच्चों, दूरी के साथ में ताप में परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष कहते हैं ताप में परिवर्तन, ठीक है। तो नॉर्मली अगर बच्चों हम यहाँ पे देखें, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों इस तरीके से कि मान लिया बच्चों हमारे पास में छड़ है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में बच्चों ये वाली छड़ आ चुकी है, तो इसको यहां से इसका जब तापमान देंगे, इसको बच्चों जब ताप दे रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसका ताप बच्चों मान लेंगे T1 होगा, इसका ताप मान लेंगे बच्चों T2 होगा, क्योंकि मान लो अगर ऊष्मा आप से इसको यहां से देना स्टार्ट करते हैं, तो नॉर्मली हम ये बच्चों जानते हैं कि इस हिस्से का ताप जो होगा वो आपका ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा दे नहीं रहे, तो ऊष्मा यहाँ से आ रही होगी, है ना, तो इसलिए इस हिस्से का ताप कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो T1 की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी T2 के मुकाबले,
ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी भी रही होगी बच्चों, ठीक है, डेल्टा एक्स मान लेंगे। तो सिंपल से बच्चों क्या है कि ऊष्मा संचरण की दिशा में, यानी कि ऊष्मा संचरण की दिशा, ऊष्मा किस दिशा में जा रही है, तो ऊष्मा बच्चों इस दिशा में आगे की तरफ बढ़ रही है। ऊष्मा संचरण की दिशा में दूरी के साथ ताप परिवर्तन, अब देखें यहाँ पे यहाँ का ताप ज्यादा होगा, वहां का ताप कम होगा, तो दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर को बच्चों ताप प्रवणता कहते हैं। ठीक है, माना कि एक्स दूरी पर स्थित दो समतापी तल यानी कि जिसका ताप बच्चों नियत हो, स्थिर हो, ताप T1 और T2 है। ठीक है, तो बच्चों ताप प्रवणता कितनी आएगी आपकी, ताप प्रवणता बच्चों आपके निकल के आ जाएगी यहाँ से T1 माइनस T2 अपॉन में एक्स। एक्स यहाँ पे डेल्टा एक्स से बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप यहाँ पे डेल्टा एक्स भी दिखा सकते हैं। डेल्टा एक्स क्या होगा, दूरी के सापेक्ष ताप में परिवर्तन। ठीक है, तो बच्चों बात समझ में आ रही है। अब ताप प्रवणता का देखें, यहाँ से मात्रक तो ऊपर जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस, चूंकि यहाँ ताप है नीचे दूरी है, तो डिग्री सेल्सियस पर मीटर चला जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, तो यहाँ से इसका मात्रक निकल के जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस पर मीटर, और उसका फॉर्मूला बन जाएगा ताप में परिवर्तन बटे डिस्टेंस, यानी कि दूरी, कितना विस्थापन उसमें हो रहा है। ठीक है, दूसरा हेडिंग देखेंगे बच्चों आप अपने यहाँ पर, ऊष्मा चालकत्व गुणांक। अब नॉर्मली अगर हमारे पास में, मान ले कि हमारे पास में कोई एक छड़ है जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यानी कि बच्चों ये वाला क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल आपके पास में, इसको मान लेंगे कि हमारे पास अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बच्चों कैपिटल ए है, और इसकी जो यहाँ पर लंबाई है वो एल दिखा रखी है सिरों की। ठीक है, और स्थायी अवस्था में जब बच्चों उसको ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा देने पर इसके पहले सिरे का जहाँ से ऊष्मा दे रहे हैं उस हिस्से का ताप T1 है, और दूसरे हिस्से का ताप बच्चों जो खुला पृष्ठ होगा उस हिस्से का ताप T2 है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे जानते हैं कि T1 की वैल्यू बच्चों T2 से ज्यादा होगी, जहां से ऊष्मा दी जाती है बच्चों वो हिस्सा जल्दी गर्म होगा। ठीक है, माना किसी एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए वाली सुचालक छड़ की लंबाई एल, यदि छड़ के गर्म व ठंडे सिरों के ताप क्रमशः T1 व T2 हो, तो स्थायी अवस्था में छड़ के प्रत्येक समतापी पृष्ठों के लंबवत प्रवाहित ऊष्मा प्रवाह की दर क्यू समान होगी, क्यू तो समान होगी, जो निम्न बातों बच्चों निर्भर करती है, जो निम्न बातों पर बच्चों निर्भर करती है। नंबर एक क्या होगा, जो आपकी प्रवाहित ऊष्मा होगी, जो प्रवाहित आपकी ऊष्मा होगी बच्चों वो प्रोपोर्शनल होगी आपकी, यानी कि अनुक्रमानुपाती होगी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। ठीक है, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर एक। दूसरा बच्चों क्या होगा, क्यू प्रोपोर्शनल होता है बच्चों तापांतर के, ताप में कितना अंतर है, T1 माइनस T2 आपका बच्चों ताप का अंतर होगा। ठीक है, तीसरा चालक में प्रवाहित ऊष्मा के समय दर, यानी कितने समय तक बच्चों प्रवाहित होती है उस समय के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि T के समानुपाती होगी। ठीक, चौथा अगर देखें बच्चों यहाँ पे, तो चालक की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि 1/L आएगा। इसे मान लेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब चारों को बच्चों कंबाइंड करेंगे, तो यहां से आपका निकल कर आएगा समीकरण एक, समीकरण एक दो तीन व 4 से, जब 4 तक आएगा बच्चों कह के, तो आपको नॉर्मली क्या होगा बच्चों, इन सबको कंबाइंड कर देंगे तो आपका बन जाएगा क्यू प्रोपोर्शनल ए T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इंटू में T। ठीक है, ये वाला बन जाएगा बच्चों, और अपॉन में बच्चों क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, इसको हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट डालते हैं, क्यू प्रोपोर्शनल कैपिटल के आ जाएगा इंटू में ए आ जाएगा टी, T1 माइनस के T2 इंटू में टी, टी स्मॉल टी समय, यहाँ पे कैपेबिलिटी आपका टेम्परेचर है। ठीक है, अपॉन में एल आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो बच्चों आपको के नजर आ रहा है, जो यहाँ पे आपको के नजर आ रहा है, इस के को बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे एक नियतांक होगा जहां के एक नियतांक है जिसे चालक का ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। तो बच्चों अगर यहां से के को निकालें, तो के बराबर क्या आएगा, क्यू इंटू में एल अपॉन में ए T1 माइनस T2 इंटू में टी जलाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको बच्चों फॉर्मूला निकाल के ऊष्मा चालकत्व गुणांक के बारे में इसकी परिभाषा निकालेंगे, इसका बच्चों मात्रक बताएंगे। तो ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, तो
देखिए आगे क्या होगा बच्चों। यहाँ पे जैसे हमारे पास है बच्चों फॉर्मूला निकल कर आया गया था, यहाँ से कैपिटल के बराबर क्यू इंटू एल अपॉन में ए टी वन माइनस टी टू इंटू टी। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे ए को मान लिया 1 मीटर स्क्वायर, लंबाई मान लिया आपने 1 मीटर, ताप मान लिया आपने 1 डिग्री, समय मान लिया आपने 1 सेकेंड, तो क्यू बराबर क्या जाएगा बच्चों, जैसे सबकी वैल्यू एक रखेंगे तो क्या आएगा, क्यू इंटू में 1 अपॉन में 1 इंटू में 1 इंटू में 1। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपके पास आ जाएगा के बराबर क्यू। ठीक है, अर्थात किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक यानी कैपिटल के ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो स्थायी अवस्था में उस पदार्थ के एकांक लंबाई यानी कि लंबाई बच्चों आपकी 1 होगी। ठीक है, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी क्षेत्रफल वाली छड़ के एकांक समय में चलन द्वारा प्रभावित होती है, जबकि छड़ के दोनों सिरों का बच्चों तापांतर कितना हो, एकांक हो। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से बच्चों उसको निकाल लिया जाता है। कोई दिक्कत किसी तरीके से? चलिए अब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे इसका बच्चों आप देखेंगे, आप मात्रक आपका आ चुका है, मात्रक देखेंगे। अगर इसका मात्रक निकालना है तो फॉर्मूला भी जैसे हमारे पास में आया था बच्चों निकल के वाला, ये मात्रक निकल फॉर्मूला निकल गया था के बराबर क्यू एल अपॉन में ए इंटू टी वन माइनस टी टू इंटू टी। तो देखिए के का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा बच्चों, ऊष्मा का मात्रक होगा कैलोरी और लंबाई का होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नीचे जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, डिग्री सेल्सियस और सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चे पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा कैलोरी पर सेकंड इंटू सेंटीमीटर है ना इंटू डिग्री सेल्सियस, या अगर आप देखें यहाँ पे आपका जाएगा कैलोरी और बाकी सब ऊपर जाके पावर बच्चों माइनस में हो जाएगी, जबकि ऐसा पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो जूल मीटर अपॉन में मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तब का जूल पर मीटर इंटू जूल पर सेकेंड मीटर कैलविन हो जाएगा, या वाट पर, वाट कैसा आएगा चूंकि जूल जूल और सेकेंड बच्चों वाट बन जाएगा, जूल अपॉन सेकेंड है ना, वाट पर मीटर कैलविन बन जाएगा। ठीक है, यहां से अगर वीमा निकाले बच्चों तो देखिए जूल की वीमा क्या आती है बच्चों, एम एल टू टी माइनस टू, मीटर क्या बच्चों क्या आती है, चूंकि ऊपर जाएगा ना एल आ जाएगा। यहां से देखेंगे जो फॉर्मूला आपका निकल कर आया था ये वाला, यहां से एल आ जाएगा और यहाँ पे बच्चों एल स्क्वायर आ जाएगा, एक पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो आपका ऊपर जाके एक बचेगा ना, दो में से एक चला जाएगा एक बचेगा बच्चों, और ऊपर जाएगा बच्चों माइनस हो, 3 में 3 रो सॉरी 2 और 1 माइनस हो जाएगा, और के ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वीमा हो जाती है बच्चों आपकी एम एल टी की पावर माइनस के 3 के की पावर माइनस के 1। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों उसको यहाँ से कर लेंगे। देखिए अब ऊष्मा, ऊष्मीय धारा, ऊष्मीय धारा और ऊष्मीय प्रतिरोध। तो देखिए जिस प्रकार परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के कारण आवेश का प्रवाह होता है, ठीक उसी प्रकार किसी वस्तु के दो बिंदुओं के बीच तापांतर के कारण, तापांतर यानी ताप के अंतर के कारण ऊष्मा का परोच्च प्रभाव होता है, वैद्युत धारा एवं वैद्युत प्रतिरोध के सदृश ऊष्म धारा एवं ऊष्म प्रतिरोध बच्चों होते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊष्म प्रवाह की दर को ऊष्मीय धारा कहते हैं, ऊष्मीय प्रवाह की दर को ऊष्मीय धारा कहते हैं। तो ऊष्मीय धारा को बच्चों यहाँ पे इस तरीके से दिखा देंगे, एच बराबर आपका जाएगा यहाँ पे क्यू अपॉन टी। ठीक है, एच बराबर आपका जाएगा बच्चों क्यू अपॉन टी, यानी कि ऊष्मा प्रवाह की दर, यानी क्यू को अगर आप स्मॉल टी से भाग कर देंगे तो आपको बन जाएगा बच्चों ये ऊष्मीय धारा। ठीक है, इसको दिखाएंगे एच से, इसका मात्रक होगा जूल बटे सेकंड। ठीक है, या इसको बच्चों बोल देंगे वाट। ठीक है, या जूल पर सेकंड बोल देंगे, या बोल देंगे बच्चों इसको वाट। यदि स्मॉल टी समय प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा क्यू हो तो ऊष्मीय धारा क्या होगी बच्चों, एच बराबर क्यू अपॉन टी हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बच्चों बात क्लियर हो पा रही है? ऊष्मा गतिकी में ऊष्मा एवं ताप विद्युतकी में वैद्युत आवेश व वैद्युत धारा के समतुल्य होते हैं, जिस प्रकार किसी वैद्युत परिपथ में लगाए गए विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, उसी प्रकार किसी चालक के छड़ के सिरों के बीच तापांतर, देखिए छड़ के सिरों के बीच तापांतर तथा ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात को बच्चों ऊष्म प्रतिरोध कहते हैं। तापांतर का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पे थीटा, सॉरी यहाँ पे देखेंगे तापांतर का मतलब हो गया तापांतर टी वन माइनस टी टू हो गया। ठीक है, बटे में ऊष्मा प्रवाह की दर यानी कि एच को क्या बोलते हैं, ऊष्मीय प्रतिरोध, यानी कि ये बच्चों आपको कहलाएगा ऊष्मीय प्रतिरोध। ठीक है, तापांतर तथा ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात को बोलते हैं बच्चों ऊष्मीय प्रतिरोध, इसको दिखाते हैं बच्चों आर से। ठीक है, तो ये बच्चों आपका मेन फॉर्मूला है, इसको ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि माना आपके पास में स्मॉल एल लंबाई की कोई छड़ है, जिसके एक सिरे का ताप टी वन और दूसरे सिरे का ताप बच्चों टी टू है, टी सेकंड में प्रवाहित होने वाली
प्रवाहित होने वाली या बहने वाली ऊष्मा की जो मात्रा क्यू होगी, तब ऊष्मा प्रवाह की जो धारा होगी उसमें धारा जो होगी बच्चों एच बार क्यू अपॉन टी होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं क्यू बराबर होता है के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन इंटू टी अपॉन एल। तो यहाँ से देखिए बच्चों तापांतर बचे अगर टी निकाल लेते हैं तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है बच्चों यहाँ से टी वन माइनस टी टू अपॉन एच बराबर एल अपॉन के निकल के जाता है। तो यहाँ पे बच्चों इसको बोलते हैं तुल ऊष्मीय प्रतिरोध, इसको दिखा देते हैं बच्चों एल, ठीक है सॉरी एल अपॉन के को बोल देते हैं बच्चों यहाँ पे आर। ठीक, इस समीकरण से स्पष्ट है कि किस चालक का ऊष्मा चालकत्व गुणांक अधिक होने पर उसका ऊष्मीय प्रतिरोध बच्चों कम हो जाता है। ठीक है, अब सूत्र से अगर देखें बच्चों उसकी विमोर देख लें मात्रा को देख लें, ठीक है तो ध्यान देंगे आप, जैसे हम जानते हैं कि जो आपका बच्चों आर होता है आपका टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू अपॉन में एच होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो एच होता है बच्चों आपका वो होता है क्यू अपॉन में टी होता है। ठीक है, तो टी वन माइनस टी टू अपॉन में क्यू और इन टू में चला जाएगा बच्चों आपका टी, तो इसका मात्रा का जाएगा बच्चों डिग्री सेल्सियस पर, डिग्री सेल्सियस पर ये सेकंड पर किलो कैलोरी। ठीक है, अगर हम देखें बच्चों इसका मात्रा जो बनेगा एम के एस पद्धति में बनेगा, ठीक है, और ऐसे पद्धति में डिग्री सेल्सियस सेकंड पर जूल चला जाएगा। ठीक है, और सेकंड अपॉन जूल को बोलते हैं बच्चों वाट, तो इसको बोल देंगे यहाँ पर डिग्री सेल्सियस पर अपॉन वाट। ठीक है, अर्थात डिग्री सेल्सियस सेकंड प्रति जूल या डिग्री सेल्सियस प्रति वाट हो जाएगा। इसका बच्चों वी में सूत्र देखें तो वी में सूत्र देख लेंगे, देखिए बच्चों वी में सूत्र क्या बनेगा इसका, के बन जाएगा। ठीक है, और पी आपका आ जाएगा यहाँ पर जूल के लिए आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस के लिए यहाँ पर ताप आ गया, सेकेंड के टी आ गया, और जूल के लिए एम एल टू टी माइनस टू आ गया। ऊपर जाकर सॉल्व करेंगे बच्चों आपका एम एल माइनस वन एल माइनस टू टी थ्री के केल्विन आएगा। इसकी जगह बच्चों यहाँ पे हम थ्री टाइप रख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एम माइनस वन एल माइनस टू टी थ्री और थीटा भी लिख सकते हैं बच्चों इसको। ठीक है, तो ये इसकी बच्चों वीम हो जाएगी। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बच्चों बातें समझ में आ रही होगी। अब अगले उसमें देखते हैं बच्चों ये कहता है आपसे श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों में ऊष्मा चालन। ठीक है, माना हमारे पास है बच्चों दो चालक हैं जिनका क्षेत्रफल बच्चों समान है, इसका भी है इसका भी है इसका भी है। ठीक है, इसमें जब बच्चों ऊष्मा देते हैं तो पहले हिस्से का जो ताप होगा बच्चों टी वन होगा, दूसरे हिस्से का जो ताप होगा टी टू होगा। यहाँ पे हमको देख पा रहे हैं कि टी वन की वैल्यू बच्चों जो होगी वो टी टू से ज्यादा होगी, और यहाँ पे बच्चों दोनों का संपर्क हो रहा है, संपर्क हिस्से का जो ताप होगा वो टी मान के चल लेते हैं। पहले चालक की लंबाई एल वन है, दूसरे चालक की लंबाई एल टू है, पहले चालक का ऊष्मा चालकत्व गुणांक कैपिटल के वन है, दूसरे का के टू है। ठीक है, दोनों बच्चों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में ऊष्मा प्रवाह की दर बच्चों समान होती है। ठीक है, माना L1 L2 लंबाई के दो चालक जिसमें प्रत्येक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है श्रेणी क्रम में जोड़कर रखे गए हैं, इन चालकों के पदार्थों की ऊष्मा चालकता क्रम से K1 व K2 है। यदि ऊष्मा प्रवाह की स्थायी अवस्था में प्रथम चालक के खुले पृष्ठ का ताप T1 और द्वितीय चालक के खुले पृष्ठ का ताप बच्चों T2 है, माना संपर्क स्थल यानी कि अंतःपृष्ठ का जो ताप है बच्चों वो टी है, तो इस स्थायी अवस्था में प्रथम चालक से प्रवाहित संपूर्ण ऊष्मा दूसरे चालक में से प्रवाहित होगी, अर्थात दोनों चालकों बच्चों ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी। ठीक है, तो समान होगी तो देखिए बच्चों क्या होगा, समान होगी तो बच्चों देखिए क्या होगा आपका जाएगा एच बराबर, यहाँ पे आप जानते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर आपको होता है एच बराबर के अपॉन टी, है ना, क्योंकि वैल्यू क्या आएगी बच्चों पहले चालक के लिए के वन आएगी, एरिया ए रहेगा, ताप टी वन माइनस टी जाएगा अपॉन में यहाँ पे टी तो नीचे आ जाएगा ये वाला, और यहाँ बच्चों जाएगा आपका एल वन। ठीक है, दूसरे चालक के लिए होगा के टू, एरिया ए रहेगा, टी पहले वाला ये वाला ज्यादा होगा ये वाला कम होगा, ठीक है, अपॉन में एल टू। इसको बच्चों मान लेंगे समीकरण नंबर एक। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीजें निकालनी होती हैं बच्चों, आप देखिए क्या क्या निकालना है आपको, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ गई तो आगे देखिए यहाँ पे समीकरण एक से के वन ए टी वन माइनस टी अपॉन में एल वन बराबर आपका जाएगा बच्चों के टू ए टी माइनस टी टू अपॉन में एल टू।
तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ से के से ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बचा आपके पास है बच्चों, के वन। अब इसकी के वन अपॉन एल वन के अंदर गुना करेंगे, के वन टी वन अपॉन में एल वन माइनस के वन टी अपॉन में एल वन बराबर के टू टी अपॉन में एल टू माइनस के टू टी टू अपॉन में एल टू, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा बच्चों इधर जाएगा और ये वाला बच्चों हिस्सा इधर जाएगा, तो देखिए क्या होगा, तो देखिए क्या होगा। अब जब ये वाला हिस्सा इधर जाएगा तो वैल्यू प्लस हो जाएगी ना, तो आप देखिए यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका के वन टी अपॉन में एल वन प्लस के टू टी अपॉन में एल टू। चूंकि ये तो प्लस का था ही बच्चों, ये इधर जाके बच्चों माइनस का जो तो प्लस हो जाएगा, और जब ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं कि ये वाला प्लस का हो जाएगा, के वन टी वन अपॉन में एल वन प्लस के टू टी टू अपॉन में एल टू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बच्चों एल सम जाएगा आपका के वन एल टू टी, है ना। और एक काम कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से टी को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से प्लस के टू एल वन अपॉन में एल वन एल टू, ठीक है। और यहाँ से बच्चों टी आएगा कॉमन आपका, ठीक है, ये वाला टी कॉमन आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों में बच्चों ये वाला बिल्कुल वैल्यू समान है, ये वाला टी, है ना। चलिए अगर यहाँ तक बच्चों बात के लिए आपकी, तो आगे चल लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे के वन एल टू टी वन प्लस के टू एल वन टी टू अपॉन में एल वन एल टू, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये कैंसिल इससे हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला हिस्सा बच्चों नीचे जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे टी बराबर के वन एल टू टी वन प्लस के टू एल वन बच्चों टी टू अपॉन में के वन एल टू प्लस के टू एल वन, ठीक है। ये जो आपका बच्चों निकल कर आया है, ये निकल कर आया है संपर्क तल का ताप, ठीक है। ये बच्चों संपर्क तल का ताप निकल कर आया, इसको बच्चों इक्वेशन नंबर दो मान के चल लेंगे हम यहाँ पे। और समीकरण को आपको कहाँ रखना होगा, इस समीकरण को बच्चों आपको एक में रखना होगा, तो वहां से आप एच को निकालेंगे। वहां से आपको दो तीन चीजें निकालनी, जब श्रेणी क्रम में लगाओ आपको एच निकालना होता है बच्चों, आपको थीटा निकालना होता है, ठीक है। तो एच हमारा हमारा निकल चुका है थीटा, थीटा क्या दिया टी क्या, तो कैपिटल कैपिटल टी क्या परम संपर्क तल का तो बच्चों ताप है, ठीक है। जब इसे समीकरण नंबर एक में रखेंगे तो देखिए बच्चों क्या वैल्यू आपकी बन जाएगी, देखिए इस मान को जब बच्चों यहां रखेंगे तो आपका वैल्यू बन जाएगी बच्चों यहां से देखिए। तो जैसे वैल्यू यहाँ बच्चों रखते हैं आप, तो क्या वैल्यू बन के आपकी निकल के आती है बच्चों यहाँ पे, एच बराबर के वन ए अपॉन एल वन टी वन माइनस के टी वन माइनस के, इसको रखेंगे क्या आ जाएगा बच्चों के वन एल टू टी वन प्लस के टू एल वन टी टू अपॉन में के वन एल टू प्लस के टू एल वन, ठीक है। अब जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा के वन ए अपॉन में एल वन, यहाँ पे बच्चों इसका एलसीएम लेके चलेंगे तो आपका देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे के वन एल टू टी वन जाएगा प्लस के टू एल वन टी वन जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू जाएगी बच्चों माइनस के वन एल टू टी वन जाएगा, वी माइनस का के टू एल वन टी टू जाएगा अपॉन में के वन एल टू प्लस के टू एल वन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हो पा रही है, अब देखें कुछ कट रहा है क्या। यहाँ पे अगर बच्चों हम देखें तो के टू एल वन टी टू, के टू यहाँ पे के वन एल टू टी वन, देखिए बच्चों
मेरे ख्याल में K1 K1, L2 L2, T1 T1, ये माइनस का और ये प्लस का, तो यानी कि कैंसिल हो गया वाला। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बच्चों ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई है तो क्या बच जाता है आपके पास में, एच बराबर K1A। ठीक है, और यहाँ से बच्चों देखें तो K2 आपका कॉमन हो जाएगा, K2 कॉमन आ गया। ठीक है, K2 बच्चों कॉमन आ जाएगा ना यहाँ से, और यहाँ से साथ साथ बच्चों आपका L1 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, K2 L1। ठीक है, यहाँ आपका बच्चों बच जाता है T1 माइनस K T2 अपॉन में आपका जाएगा बच्चों L1 इंटू में यहाँ पे K1 L2 प्लस K K2 L1। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों देखें L1 से L1 गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास बच्चों बच जाता है यहाँ से K1 K2 A T1 माइनस K T2 अपॉन में क्या बचता है बच्चों K1 L2 प्लस K K2 L1। तो एक तो मेन फॉर्मूला आपके पास बच्चों ये वाला बच जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सही कर लें अगर हम यहाँ पे, तो आपका बच्चों बच जाएगा H बराबर A T1 माइनस K T2 अपॉन में K1 अपॉन L2 K1 K2 जाएगा प्लस K2 L1 अपॉन K1 K2। तो यहाँ से बच्चों देखेंगे आपका K2 से K2 गया, K1 से K1 गया, तो आपके पास बचेगा बच्चों A T1 माइनस T2 अपॉन में L1 अपॉन K1 प्लस K L2 अपॉन K2। ये है बच्चों, ये अगर आप इसको समय का नंबर बच्चों 3 मान के चल रहे यहाँ पे, तो हम कह देंगे ये है क्या बच्चों, तुल्य ऊष्मा प्रवाह की दर का व्यंजक। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको निकालना है अगला हेडिंग, यानी कि बच्चों आप अगला हेडिंग निकालेंगे यहाँ पे तुल्य ऊष्मा प्रतिरोध। तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे पहले पहले चालक का, एक काम करते हैं समीकरण एक लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण एक से बच्चों क्या आया था, एच बराबर आपका आ गया था क्यू अपॉन में टी बराबर आपका आ गया था बच्चों K1A T1 माइनस K T अपॉन में L1 आ गया था बराबर यहाँ पे K2A T माइनस K T2 अपॉन में बच्चों L2 आ गया था, ये समीकरण नंबर एक थी ना। अब यहाँ से बच्चों हम जानते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध क्या था बच्चों, तापांतर बटे ऊष्म प्रवाह की दर है ना। तो हम यहाँ पे पहले चालक के लिए, पहले चालक के लिए तो H बराबर क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते K1A T1 माइनस K T अपॉन में L1। तो यहाँ से बच्चों देखिए T1 माइनस K T अपॉन में H बराबर क्या आएगा यहाँ पे L1 अपॉन में K1A, और इसको बच्चों क्या बोल देंगे R। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे R, ये क्या होगा आपका ऊष्मीय प्रतिरोध। ठीक है, क्या होगा बच्चों आपको ऊष्मीय प्रतिरोध। ठीक है, दूसरे चालक के लिए, दूसरे चालक के लिए तो देखिए T माइनस K T2 अपॉन में H जाएगा, चूंकि ऊष्म प्रवाह की दर समान है यहाँ पे L2 अपॉन में K2A जाएगा, इसको मान लेंगे बच्चों R। ठीक है, ये क्या होगा, ये R1 ये R2 हो चला जाएगा दूसरे के लिए ऊष्मीय प्रतिरोध। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो देखिए बच्चों श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध वो होगा बच्चों पहले सिरे का ताप, पहले सिरे का ताप है आपका T1 माइनस दूसरे सिरे का ताप है T2, H बराबर होगा ये होगा आपका हो जाएगा बच्चों R। ठीक है, एक समीकरण मान लेंगे इसको 4। ठीक है, इसको मान लेंगे स्मॉल ए, इसको मान लेंगे स्मॉल बी,
ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप समीकरण ए व बी से श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम बच्चों जोड़ा जाता है, यानी कि आर वन प्लस के आर टू बराबर देखिए बच्चों क्या आएगा आपका, टी वन माइनस के टी अपॉन में एच जाएगा, फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पे टी माइनस के टी टू अपॉन में एच जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो टी वन माइनस के टी प्लस के टी है ना, और माइनस के टी टू अपॉन में एच जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपके पास बचेगा बच्चों आर वन प्लस के आर टू बराबर टी वन माइनस के टी टू अपॉन में एच, इसको मान लेंगे 5, ठीक है, इन दोनों कंबाइंड कर देंगे, तो समीकरण 4 व 5 से आर बराबर जाएगा बच्चों आर वन प्लस के आर टू, ठीक है, इस तरीके से बच्चा आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज और निकालनी पड़ेगी बच्चों आपको, क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों इसमें आपको, तुल्य ऊष्मा प्रतिरोध, ऊष्मा चालकता, तुल्य ऊष्मीय, तुल्य ऊष्मा, ऊष्मा चालकता, ठीक है। तो बच्चों देखें यहाँ पे h बराबर आपको, सॉरी h बराबर आपका जो जाएगा वो जाएगा आपको q अपॉन t जाएगा, तो यहाँ पहले वाले का जाएगा k पूरे चालक के लिए मान लिया, और ये आपका हो गया एरिया, यहाँ पर आपका चला जाएगा बच्चों ताप t1 माइनस के t2, और लंबाई बच्चों आपकी हो जाएगी l1 प्लस के l2, इसको समीकरण नंबर मान लेंगे बच्चों 6, ठीक है। और समीकरण नंबर 6 मानने के बाद में बच्चों अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो ये जो समीकरण नंबर आपके आए थे 3, ठीक है, इनको बराबर रख देंगे, कौन से वाले लेके चलेंगे, ये वाले पे, यहाँ पे ये इसको लेके चलेंगे, एच बराबर ए इंटू टी वन माइनस टी टू अपॉन में एल वन अपॉन है के वन प्लस एल टू अपॉन के टू, ठीक है। चलिए अब इसको बराबर लेके चलेंगे आप, कौन से जाएगी इक्वेशन आपकी तीसरी और 6 है ना, चलिए अब इसको बराबर लेके चलेंगे यहाँ से, तो कितना आपके पास में आ जाएगा के टी वन माइनस के टी टू अपॉन में एल वन प्लस के एल टू बराबर आपके पास में आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे ए ए टी वन माइनस के टी टू अपॉन में एल वन अपॉन के वन प्लस के एल टू अपॉन में के टू, देखिए क्या कट रहा है बच्चों यहाँ से, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा और ए से कैंसिल हो जाएगा, हमको k निकालना होगा, तो k निकालने के लिए जो नीचे का हिस्सा होगा ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास रहेगा L1 L2 अपॉन में L1 अपॉन K1 प्लस के L2 अपॉन K2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बच्चों कर लेंगे, चलिए अगर ये यहाँ तक हो चुका है तो क्वेश्चन कर लेते हैं, किसका बच्चों क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आपको बोला है बच्चों ये 75 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि आपको एल दे दिया कितना 75 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 75 इंटू 10 की पावर बच्चों माइनस के 2 मीटर हो गया, 10 की पावर माइनस के 2 मीटर स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 की पावर माइनस के 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कि धातु के एक छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है स्थायी अवस्था में छड़ के सिरों का तापांतर, तो डेल्टा टी दे दिया बच्चों आपको कितना है 90 डिग्री सेल्सियस, तो धातु का ऊष्मा चालकता गुणांक के दे दिया आपको 80 कैलोरी पर मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस हो, तो दो चीजें आपसे बच्चों पूछ ली गई हैं, नंबर एक आपसे पूछा गया छड़ के ताप प्रवणता, तो पहला पार्ट बच्चों आपको बताना है यहां पे ताप प्रवणता क्या होता है, डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा एक्स जाता है,
डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एक्स, बच्चों यहाँ पे मान के चलेंगे यहाँ पे इस एल को, तो डेल्टा एक्स आपको हो जाएगा एल, तो 75, 75 गुना 10 के माइनस के 2 चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बच्चों कितना जाएगा, पंद्रह से काटेंगे ना इसको, तो 15 5 75, 15 6 90, ये ऊपर जाएगा तो 6 गुना 2 बटे 5, इससे को काट देंगे 20 बार कट जाएगा, 20 6 120 डिग्री सेल्सियस पर मीटर जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों इसका आंसर आ गया। दूसरा आपको निकालना है ऊष्मा स्थानांतरण की दर, दूसरा पार्ट बच्चों निकालना आपको ऊष्मा स्थानांतरण की दर, तो ऊष्मा स्थानांतरण की दर बच्चों आपको हो गया एच, एच बराबर क्या था आपका क्यू अपॉन टी था, ठीक है क्यू अपॉन टी था ना, तो यहां से एच बराबर अगर देखते हैं बच्चों आप तो क्या वैल्यू निकलेगी इसकी, के ए टी वन माइनस के टी टू अपॉन में एल चला जाएगा बस, ठीक है। के की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों आपकी 80, ए की वैल्यू जाएगी 10 की पावर माइनस के 2, इसका मान जाएगा तापांतर का कितना 90 और अपॉन में 75 गुना 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों पावर से पावर कैंसिल होगी ये वाली, ठीक। अब आगे चलेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 5 75 15 6 90, ठीक है। इसको काटेंगे तो 16 5 80, ठीक है, और 16 6 96, तो 96 कैलोरी पर सेकंड आ जाएगा, ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।